जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सदर तहसील में स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पंजीकरण केंद्र में मतदाता सूची की खुद कंप्यूटर पर जांच की तथा उन्होंने नए मतदाता को बढ़ाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा सभी BRC यह सुनिश्चित कर ले कि किस विधानसभा में अभी तक किस व्यक्ति का वोटर ID कार्ड नहीं बन पाया है तथा यह जिम्मेदारी BLO को दे जो घर घर जाकर पता करे कि किस घर में किस व्यक्ति का वोटर ID कार्ड नहीं बना है तथा साथ साथ नए युवक जो 18 साल के इस वर्ष हुए हैं उनका भी वोटर ID कार्ड बनाया जाए जिससे युवा भी इस विधानसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग वोट देने में कर सके। इस अवसर पर सदर तहसीलदार विकास कुमार, न्यायिक तहसीलदार नीलम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा मतदाताओं को लगना चाहिए कि उनको अपने मतदान अधिकार का मतलब क्या है, उनको लगना चाहिए कि हम कुछ बड़ी चीज का हिस्सा है। हम ये मतदान जो वोट करते हैं, आदमी जाके वोट करता है किसी कोने में, तो इसका एक भव्य प्रचार देना चाहिए, है ना। कौन कौन BRC है यहाँ पे, सभी BRC हो बताओ, दिखाओ EP रेशियो, जेंडर रेशियो और ये सब दिखाओ। लेबर टेबल पे किया है, क्यों करते हो बताओ। कौन सा विधानसभा है ठीक है, तो अभी EP कैसे करोगे, कुछ पता है कि नहीं तुम लोग। फीमेल इलेक्टर कौन है, फीमेल इलेक्टर और नंबर क्या, डॉक्टर नहीं इलेक्टर से और ये मेल है ना, इसमें फुल बनाए हुए हैं। कान खोलो ना, अबे जिस मैं बताऊं, एक मिनट, इसी में करते हैं। ये बैठक है ना, देखते हैं इस बूथ पे। अरे भाई ये मेल टोटल ना, टोटल फीमेल वोटर है ना, क्या परसेंटेज आ रही क्यों सर, महिला नोट तो कह सकते और सर इसके लिए अभियान में चलाया हुआ है सर, वो रेस्क्यू नहीं समझ रहा सर, मेरा ऑनलाइन भी चल रहा है। हां 5000 में 5 ठीक है ना, लो गाइस 5 बूथ यही है, मार्च है ठीक है। BRC केंद्र का निरीक्षण करके BRC में लगातार अभी विश्लेषण करते हुए मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराना, मतदान पर्ची उपलब्ध कराना और आदि सेवाओं के संबंध में समीक्षा की गई। निरंतर पुनरीक्षण का काम चलता रहेगा। अगर कोई भी अभी भी मतदाता, चाहे विशेषकर हमारे प्रथम बार वोट करने वाले मतदाता अगर छूट गए हैं तो कृपया आवेदन करके अपने मतदान सूची में अपना नाम अवश्य जोड़ लें। सर नए मतदाता बनाने के लिए भी अभी हमने ये अनुरोध किया है, BLO के माध्यम से घर घर संपर्क करें, अगर कोई छूटा हुआ है तो अभी भी आवेदन करके अपना नाम जरूर जोड़ें और सभी को अपना मतदान अधिकार का प्रयोग करना है और इस एक सभी जन अभियान बनाते हुए इस बार हमारे मतदान प्रतिशत को वृद्धि करने में हमें अपना योगदान देना है।